फट भागा ऊपर जाके लॉक करके सो गया तुरंत। गाड़ी आ गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ, महाबलेश्वर का आप सुबह का नज़ारा देखिए, फुल बारिश और फुल फॉग के साथ। फुल फॉग ही फॉग है हर जगह पे। जी ये फॉग ही तो कहलाती है। फॉग नहीं है, अरे इतना धुआं थोड़ी ना होता है। आप इधर साइड देखो ना, उधर पीछे की साइड लकड़ी का स्मेल है। वो बाथरूम में इतना धुआं कैसे? शिवा दीदी और ये लोग घूमने निकल गए, हम जाने वाले थे। हाँ ये रे आगे घूम के उठाने गए होंगे चाय वाले। तो क्या जिया जी तो ना भी लिया लग रहा है। क्या तुम्हारा विचित्र दिख गए क्या? अरे सोनू क्यों बोल रहे हो? हाँ खुद की भी पट रही है पर कार जरूर है। नहीं नहीं अमर क्यों घूमते कब से गए? अकेला कब से घूम रहा हूँ अकेला अकेला। ओ ना शांत बजे के पता नहीं क्या चल रहा है। जा अम्मा चल तू मगर सब उठ गया। हाँ घूमना है चलो। जिया जी सुबह से सबको घुमा रहे। ले पकड़ ले चाचा। टीम बी टीम बी टीम बी पर कुत्ते कुत्ते पीछे भी आएंगे। डरना मत पकड़ ले जल्दी चाचा। चलो चिको चलो घुमा के लाता हूँ घुमा के लाता हूँ। अब नहीं आ रहे मेरा रोल यहाँ तक गाने का था। इनके बाद इसका बॉर्डर बॉर्डर चेंज है। वक्त का मजा ले। वक्त बिना दीदी हो गई हो फ्रेश तो बुला लो। चार बार थे यू। चार बार थे यू। ओके बाय बाय। और दूध पीने तो लेके आना जिया जी। मैं पकड़ूँ चलो। दूध पीने नहीं जा रहे। कॉफी चाहिए? चिकू भीग जाएंगे। रुको एक छाता और ले लें दो बार। बारिश है भाई बाहर। लो ले लो छाता। वो छाता ले लो। ये रहा। आप मेरा इंतजार करो। तो मैं आपके भी घर के जा सकती हूँ? जय सती जय जी क्या कह रहे हैं? धूम नहीं है यो। अरे जी चिकू कुत्ते नहीं है? कुत्ते डर लगती है ना यार मेरे को तो। ये को डर लगती है। वह इतने इतने घूम लेते हैं क्या? ज्यादा कह दी था मैं। नहीं मेरे को नहीं घूमना है। अपन तो यही बैठे रहते हैं। घूमने जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। घूमने जैसा क्या है? बारिश हाँ कोई बात नहीं देख ली धुंध। सब जने तो गए, मुझे तो डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लगता है इसलिए मैं तो नहीं गई हूँ। और हम दोनों यहाँ पर व्लॉग देख रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस बारिश है। ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है। ठीक है बिना दीदी ने मार मार के अब जिया जी के कमर सीधी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी चालू ही है। यहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ यहाँ पे सीधी सैलरी हमारी वाली उठा ली जाती है। वो सही बात है। अभी लोकेश भी अगर उठ गए ना। ये अभी जन पर नाइज हो तो आज तो एक घंटा खाई जा मारो। तो बस बिना तो चालू चल जा बस। प्रेस द लास्ट कर चुके। बिना कालतन पीड़ा भी ले तो आज तो भी मन तो चल ही कर दे। इसके हाथों में बहुत दम है। मगर घी खा दो है कोरो कोरो है वो लागे है। सही में वे बन रही है बना रहे ये बना रहे और नाश्ता का क्या है? नाश्ता बन अभी बन रहा है चटनी सब बनने वाला अभी नाश्ता करेंगे। क्या कर रहे हैं? नाश्ता के सामान चढ़ाने वाला है। नहीं
ऊपर वायर है देख यहाँ पे बहुत सारी बारिश आ रही है पहाड़ पे चाय चाय अरे मेरी चाय आपने ले ली है चाय चाय पापा चाय चाय यहाँ रखो चाय अरे अरे सही नहीं है खाला दे चाय क्या छोटा है मेरे को भी दे दे चाय 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 भुजिया निकलना चाय लो मैं जो पापा शक्कर ही नहीं है वहाँ पे शक्कर नहीं है यू अरे तेरे चॉकलेट का ही है इसलिए वो टेस्टी है चाय जोरदार है बिना दीदी ने बहुत ज्यादा यम्मी चाय बनाई मैं ओनली फॉर गैस संभालने थी गैस संभालने का काम मेरे की है बाकी बिना दीदी चाय बनाई बहुत टेस्टी सब जने यहाँ पर चाय को एंजॉय कर मैंने बच्चों का बॉर्नविटा वाला दूध बनाया बच्चों बॉर्नविटा वाला दूध के साथ आइए भी बताओ अब चलो तो यू कर रहे हैं ना तो अच्छा सचिन को चाय कैसी लगी चाय की तारीफ की जाए जबरदस्त तरीके से देखो ओके चले मेरे को ठीक था गुरु ने जैसा सिखाया वैसी शिष्य ने चाय बनाई मेरे हक पर भी खा पी के बहुत हवा दी हम सब का बच के 57 मिनट हां कर दो दो बज के हां क्या यो तो और दो ये किसका है मजाक के सीरियस मंजुले का भी आपसे मिलने आई थी नहीं कुछ हाँ तो सही क्योंकि मैं 3 बजे तक था मैं यहाँ बैठा हुआ था तुम कहीं नीचे आए थे मैं नीचे ही था नीचे कुछ दिन से कुछ दिन से मैं नहीं आया था नीचे मैं सबसे लास्ट में गया था और सबसे लास्ट में सोया गेट खुले बंद करे तो मन खबर है आप एक बार पानी लेने उसके 2 घंटे बाद में ऊपर गया छन 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 आवाज आ रही थी गेट बंद किया मैं बाबड़ा रहेगा नेम ना करो यार अरे रियल में कह रहा हूँ मजाक थोड़ी कर रहा हूँ जगह भी तो देख के तू आस पास मैं 3 बजे उठा वीडियो रेंडर पे अपलोड करी भागा ऊपर जाके लॉक करके सो गया तुरंत इसलिए मैं रात को तेरे को उठाया तेरे को तकिया इधर वाला खाली करके मैं इधर किचन गया हर जगह पे बनी कोई ढूंढते रहता है ये छोरी पागल है बनी के पीछे पिना देखो पहले तो इतना डर लगता था ना अब तो डर ही नहीं लगता एक जरा ही बाकी मेरे जैसे ही डरते थे ये भी बारिश से रुकने का नाम नहीं ले रही है हम सब जने अब नहा के फिर घूमने निकल ही जाते हैं छाते ले लेके नाना है आपको पापा ना लिया कल रात को सच्ची में भूत था मुझे तो नहीं लगे अरे अब तो और जोरदार हो गया पूरा फॉगी फॉगी हमने तो कुछ दिख ही नहीं था वहाँ है रात का पेन ठंड है बहुत बाहर तो हम गाड़ी के अंदर चल रहे हैं फिर बाहर नहीं आ सकते हाँ दो छाते हैं मैं तो डर गई खुद को देखना बंदर जैसी लगती है बारिश आ गई ये हमारे विला का एंट्रेंस है और यहाँ से हमारे रूम स्टार्ट होते हैं तो ये हमारा और मम्मी पापा का रूम है जहाँ पर फुल बेड है यानी 4 बेड्स है यहाँ पर मैं और चिकू रुके हुए थे यहाँ पर मम्मी पापा रुके हुए थे और एकदम कॉन्सेप्ट नया है बेडरूम के अंदर बेडरूम बाबरे वो डियो लगा हाई फाई वाला थिंग अपन मार पा यू है बाबड़ो अभी डियो ही नहीं लेके परफ्यूम ही लाना भूल गए अच्छा और इधर सामने भैया भाभी और बच्चों का रूम ही डियो और नीचे दोनों दीदी का रूम है और लव बनी भी चोटियां बनवा के नीचे चली गई है तो बच्चों की यही चोटियां अच्छी लगती है लगता है मेरे को तो
तो अभी सब जने चेकआउट कर रहे हैं, सब अपना अपना रूम अवेयर रहे हैं और हमने हमारा रूम तो अवेयर दिया है। अब नीचे चलते हैं और ब्रेकफास्ट भी हमने किया, बहुत ही ज़्यादा यम्मी ब्रेकफास्ट था। इस विला का नाम ही नहीं पता, नीचे जाके बताती हूँ मैं आपको इस विला का क्या नाम है। अरे अपने रूम में ये खिड़की है, खिड़की तो खोलो। सब जने हम नीचे आ चुके हैं और सबका ये सारा लगेज गाड़ी में जा रहा है और ये हमारे कॉटेज का कुछ एंट्रेंस है। सबको सर्दी हो गई है, कैसा लग रहा है बारिश के मजे लेते? बहुत मस्त। स्ट्रेट तक आ गए, स्ट्रेट तक आ गए, क्या अचानक तो कोई बात, स्ट्रेट तक आ गए। कैसा लग रहा है बारिश में? मजा आ गया। सब जने अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और सबसे ज़्यादा टाइम हमको लगा है लगेज को जमाने के लिए, क्योंकि सब लगेज अलग अलग जमाते हैं तो कैसे क्या सेट हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं भी एक लगेज। नो बैग, ऐसा थोड़ी होता है। ये भगवान जी महाराज, सद्गुरु नाथ महाराज। मंदिर के लिए हम इधर उतरे हैं और बहुत ज़्यादा हवा ऊँची कुछ गया। ओ बाप रे, बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा बारिश हवा। बड़ी छाता ले लो चिकू एक अपने लिए। क्या घूमेंगे ऐसे में, हम बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बारिश तो कहीं रुकी नहीं है। ओ अब छाता लीजिए। सही लग रही है। जादू। महाबलेश्वर मंदिर में जा रहे हैं अब हम सब जने। बारिश तो बंद हो गई है, कम हो गई है। कम जी जी मेरे, अरे बारिश के मौसम में रेनकोट और स्लीपर हमेशा लेके ही आना। पर घूमने का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, अब ट्रैवल करेंगे। अब ध्यान रखना, कोई भी वेदर हो उसके हिसाब से कपड़े और ये लेके आना। बारिश चालू हो गई यहाँ पे तो सब जनों ने रेनकोट पहने। यार रेनकोट हमेशा, बारिश में कहीं पर भी निकलो साथ में रेनकोट कैरी करो, छाता नहीं होगी तो भी चलेगा। एक बार तो पापा ने भी लिया रेनकोट, पापा ने जोरदार कलर का लिया, जादू वाला रेनकोट लिया पापा ने। अच्छा लग रहा है, शिवा दीदी का फेवरेट कलर है। ए पूर्वी तेरी ये दाढ़ी निकल गई, किसके हाथ पे नहीं गुजरेगा बस। जल्दी बोलिए। Thank you.
सब सेट कर रहे हैं काका जाए घूमने, क्योंकि अभी तक तो लग नहीं रहा इस बारिश को देख के कहीं हम झरने भी देख पाएंगे। वो झरने देखते देखते हम कुछ झरना बन जाएंगे। एक मंदिर के तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी सब जने चाय के ब्रेक के लिए रुके हैं। सबकी चाय हो गई है। कैसी थी चाय? अभी हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर दर्शन करने के लिए जो पास ही में है। बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड है। जाते हुए हमने जो मूंगफली देखी थी आते वो समय ले लिए, पर बहुत टेस्टी मूंगफली है। और यानी पानी में बॉईल की हुई है, कुछ नमक वाली है पर बिगर नमक वाली इतनी टेस्टी लग रही है, एकदम ज़बरदस्त लग रही है। और मूंगफली का आनंद लेते हुए मैं और चिकू बारिश में चलते जा रहे हैं। धुंध है जबरदस्त थी, ठंड लग रही है, बिना दी बीमार हो जाएंगे।